नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 8.3 में है, देखिए 8.3 को करने के लिए पहले कुछ सूत्र की आवश्यकता है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन होता है, साइन ए, ठीक ना। फिर टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, और एक होता है ये कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, ठीक ना। ये छह फॉर्मूले हैं, इसमें इसका यूज पड़ेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक में लिखा है पहला भाग, साइन 18 बटे कॉस 72, ठीक ना। तो देखिए कैसे हल करना है इसको। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ें, 18 और 72 को जोड़ेंगे ना, तो 90 डिग्री आएगा, ठीक ना। इसका मतलब यदि 90 में 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, या 72 को अगर 90 में 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ये दोनों डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं, है ना। 18 का पूरक 72 और 72 का पूरक 18 हुए। पूरक कोण का मतलब होता है कि अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो देखिए दोनों पूरक कोण हैं, तो इस वाले को देखो, इसको हम इसको देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, ठीक ना। 90 में से 72 जाएगा तो 18 प्राप्त हो जाएगा। तो इस 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और नीचे जो कॉस 72 है उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए ये कॉस 90 माइनस ए है ना, ए पर कोई थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए ये साइन 90 माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला बन के किस पर आता है, कॉस ए पर आता है। मतलब ये जो ए है वो ए यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस ए है तो कॉस ए, ए का मतलब 72, तो कॉस 72 आ जाएगा यहाँ पर, कॉस 72, अब बटे 72 लिखा हुआ है कॉस में, तो जब ये सेम चीज आ गया कैंसिल होगा तो ये एक आ जाएगा, ठीक ना। और इस पर सूत्र भी लिख लेते हैं, कौन सा सूत्र हमने यूज किया है। यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, है ना, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। देखिए इसी को एक बार और लिख के दिखाते हैं, या देखिए लिखा है साइन 18 बटे कॉस 72 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हमने पहले पहली बार में साइन को बदला था, अब कॉस को भी बदल कर देख सकते हैं। तो देखिए लिखा है साइन 18 बटे, इसको ले सकता हूँ 90 माइनस 18, है ना, 90 में 18 गया तो 72 आएगा। अब इसको ले सकते हैं साइन 18 बटे, देखिए कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, ठीक ना। तो 90 माइनस ए, ए जो भी थीटा होगा वो साइन के संग थीटा ए लिखकर आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 18, है ना, ये जो भी यहाँ रहता है वो उसके साथ आ जाता है। अब देखिए सेम चीज आ गया तो कट गया, इस प्रकार ये इसका मान भी सेम एक आ गया। और इसमें जो भी सूत्र लगाए थे इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लगाए हैं हम कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको चाहे ऊपर वाले को चेंज करिए चाहे नीचे वाले को चेंज करिए, ठीक ना, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा भाग देख लेते हैं, दूसरे भाग में लिखा है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, ठीक ना।
तो देखिए इसको भी अगर जोड़ेंगे 26-64 को तो 190 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो इसको बदल सकते हैं, या तो ऊपर वाले को अंश को बदलिए चाहे हर को बदलिए। ठीक ना, तो मैं ऊपर वाले को बदल देता हूँ, तो लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 64 बटे कॉट 64 डिग्री। ठीक ना, इस तरह लिख सकते हैं। अब 10 90 माइनस ए कितना होता है, 10 90 माइनस ए कॉट ए में बदल जाएगा। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट ए का मान 64 बटे कॉट 64 हो गया। ठीक ना, यहाँ पर जो भी सूत्र लगाए हैं लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए लिखे हैं। ठीक ना, अब सेम चीज आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, एक उत्तर आ गया। ठीक ना, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए इनको भी अगर जोड़ें, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो एक 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये भी दोनों पूरक कोण हैं एक दूसरे के। तो इसको मैं कॉस को बदल लूं चाहे साइन को बदल लूं, तो कॉस को बदलूंगा तो 90 माइनस 42 माइनस ये हो गया साइन 42, है ना, इसको ऐसे ही लिखा। अब ये कॉस का 90 माइनस ए तो क्या हो जाता है यहाँ पर, साइन ए। साइन ए का मतलब, ए का मतलब 42 माइनस ये हो गया साइन 42। तो देखिए ये हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर साइन कॉस वाला है तो कॉस लगा लेते हैं। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो देखिए सेम चीज है तो कैंसिल हो गया और ये जीरो उत्तर आ गया। तो ये तीसरा भाग हो गया। एक चौथा भाग अंतिम है, उसको भी देखते हैं। चौथा भाग ये रहा, ये लिखा है कौशिक 31 माइनस सेक 59। ठीक ना, तो देखिए इनको भी जोड़ेंगे तो दोनों का 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक ना, तो मतलब एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इसको या तो इसको बदलिए चाहे उसको बदलिए। तो इसको बदल लेते हैं, कौशिक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 है तो लिख लेते हैं इसको। अब कौशिक क्या है, कौशिक 90 माइनस ए बराबर सेक ए हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ए मतलब 59, ये जो है यहाँ लिखा गया माइनस सेक 59। देखिए सेम चीज आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो आ गया। ठीक ना, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया था, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिख देते हैं कौशिक 90 माइनस ए बराबर ये सेक ए वाला फॉर्मूला लगाए थे। ठीक ना, तो इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा भाग पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दर्शाइए। ठीक ना, मतलब सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला लिखते हैं, इसमें लिखा है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर एक आना चाहिए, है ना, तो एक आना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, देखिए ये दायां पक्ष है ये बायां पक्ष है, तो हम इसको पहले बायां पक्ष लेकर चलते हैं। तो बायां पक्ष लिख लिए, इस बाएं पक्ष में जो है उसको पहले नोट कर लेते हैं। लिखते हैं 10 48, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ये लिख लिया, ये बायां पक्ष का लिख लिया। अब इसमें से देखिए ऐसे दो कोणों को लीजिए जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर आ रहा हो। तो अगर 42 और 48 को लें तो ये 90 डिग्री आ जा रहा है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हुए। फिर 23 और 67 को लीजिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार ये वाला इसके संग हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 10 48 और 10 42, फिर लिख सकते हैं 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री, है ना, इन दोनों के एक एक साथ लिख लिया, जो जो 90 90 हो रहा था उनको एक साथ लिख लिया।
अब देखिए, अब चाहे तो आप इसको बदलिए, चाहे इसको इसमें बदलिए, इसी प्रकार इसको इसमें बदलिए, चाहे इसको इसमें बदलिए, तो हम इसी को बदल लेते हैं। तो लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, है ना, 90 में 42 जाएगा तो 48 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 10 42। अब 10 23 को बदल लेते हैं, तो लिखते हैं 10 90 माइनस 67, और 10 67 लिखा हुआ है तो 10 67 लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, ठीक ना। अब देखिए 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 का cot 42, ठीक ना, और ये 10 42 लिखा हुआ है, इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए ये 10 90 माइनस 67 तो लीजिएगा cot 67, और ये 10 67 लिखा हुआ है, ठीक ना। कौन सा सूत्र लगाए हैं, लिखते हैं 10 90 माइनस ए बराबर cot ए, ये वाला सूत्र लगाए हैं। अब देखिए कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 42, है ना, व्युत्क्रम होता है, कॉट का 10 होता है, 10 का कॉट होता है, तो ये कॉट को मैंने 10 में बदल लिया, इसी प्रकार ये 10 42 ऊपर ही रह गया। इसी प्रकार ये कॉट को 1/10 67 लिख सकते हैं, और ये 10 67 लिखा हुआ है। अब देखिए एक बार में कट गया तो एक आया, एक बार में कट गया एक आया, इस प्रकार एक एक कम एक प्राप्त हुआ। तो देखिए ये आपका आ गया दायां पक्ष। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया ये। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरा भाग में है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, ये है दायां और ये है बायां पक्ष, तो लिखते हैं बायां पक्ष, लिखें cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ठीक ना। देखिए cos को sin में बदलना है और इस cos को भी sin में बदलेंगे, ठीक ना, तो 38 और 52 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको कॉस को पहले बदल लेते हैं साइन में, तो लिखते हैं cos 90 माइनस 52, ठीक ना, कॉस को 90 में 52 जाएगा तो 38 आ जाएगा, है ना, 8 2 10 5 3 8 1 9। इसी प्रकार इस कॉस को भी बदल लेते हैं, तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, और ये जैसे है वैसे इसको लिख लेते हैं, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक ना। तो ये हो गया cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है, sin a होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं sin 52 डिग्री, और cos 90 माइनस ए सेम है तो लिखेंगे sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए सेम आ गया, ये पद पूरा ये के बराबर है, ठीक ना। देखिए यहाँ 52 के बाद 38 है, यहाँ 38 के बाद 52 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ ही लिखा हुआ है। यहाँ किस कौन सा फॉर्मूला लगाया था वो लिख लेते हैं, cos 90 माइनस ए बराबर sin a होता है, ये वाला सूत्र लगाए थे। अब देखिए चाहे तो बदल के ही लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 38 और ये sin 52 लिख लेते हैं, ठीक ना, वरना ये भी कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये लिखा sin 38 sin 52 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए सेम पद आ गया, पूरा एक पद के बराबर है, ये हो गया 0 आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है,
लिखा है टेन टू ए, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें ए का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ए का मान ज्ञात करना है, देखिए ये लिखा है टेन टू ए, ठीक ना। हमको मालूम है, देखिए क्या है कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए होता है, ठीक ना। देखिए कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए होता है, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसका, देखिए इसमें जो ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है, ठीक ना, वही चीज़ यहाँ आता है। तो अगर मैं यहाँ ए के स्थान पर 2a रख दूँ, देखिए कॉट 90 माइनस 2a, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन 2a आएगा, है ना, तो टेन 2a आ गया। तो देखिए टेन 2a के स्थान पर हम कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं अब कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए दोनों तरफ से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, है ना। तो ये हो गया a का मान ज्ञात करना, तो a को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस 2a और ये इधर पक्षांतर होगा, तो a हो गया माइनस में, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 90 हो गया। दो और एक तीन, माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री ए बराबर ये हो जाएगा आठ, नौ एक दस, और माइनस 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 अंक जुड़ गया, ये कट गया, तो ए का मान आ गया 108 बटे तीन, तो ये कटेगा तीन एक कम तीन, तीन त्रिकाई नौ, तीन छक 18, इस प्रकार ए बराबर 36 डिग्री प्राप्त हुआ। तो प्रश्न नंबर दो हो गया। अब यहीं पर प्रश्न नंबर तीन भी, प्रश्न नंबर चार भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर चार में लिखा है टेन ए बराबर कॉट बी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है लिखा है इसमें यदि, है ना, ये यदि, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक ना। तो देखिए पहले जो दिया है उसकी मदद दे लेते हैं, तो यहाँ हल करते हैं, लिखेंगे टेन ए बराबर कॉट बी, ठीक ना। अब देखिए टेन ए को, या टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो टेन ए को लिखिए, लिख सकते हैं टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए होता है, तो टेन ए के स्थान पर लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए लिख देता हूँ, या तो कॉट बी के स्थान पर भी इस तरह बदल सकते हैं, तो हम इसी को यहाँ लिख देते हैं, तो लिख रहे हैं कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी लिख लिया, ठीक ना, ये फॉर्मूला ही होता है टेन टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए, है ना, ये सूत्र ही होता है। अब देखिए कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 90 माइनस ए बराबर बी बचा, ए को पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देखिए जो हमको सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया, ठीक ना, तो ये सिद्ध करना था हो गया। तो प्रश्न नंबर, अब अगला पाँचवा देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर पाँच में है, लिखा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी ये पहले वाली की तरह लगा लेंगे, देखिए यहाँ होता है सेक, ये वाला लिखा हुआ है, ये कॉसेक, ये सेक, सेक को लिख सकते हैं, देखिए सेक में है, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है। अगर मुझे 4a चाहिए तो एक स्थान पर मैं दोनों जो हैं 4a लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक
कॉस एक 90 माइनस 4 ए बराबर तीन जगह सेक 4 ए है ना, तो सेक 4 ए हो गया। तो देखिए सेक 4 ए के स्थान पर मैं ये नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, तो लिखूँगा कॉस एक 90 माइनस 4 ए बराबर कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए कॉस एक कैंसिल जाएगा तो बचेगा कितना 90 माइनस 4 ए बराबर ए माइनस 20। अब ए का मान ज्ञात करना है तो ए को एक तरफ और जो कांस्टेंट डिग्री दिया है उसको एक तरफ, माइनस 4 ए इसको बाई तरफ पक्षांतर तो माइनस ए, यहाँ माइनस 20 बचा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 90 आया। तो 4 और 1 5 आ गया और 9 2 11 तो माइनस 110 आ गया। ए कैंसिल हो गया माइनस माइनस, ए बराबर 110 बटे ये 5 आया। तो जब इसको 5 के पौना से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो इस प्रकार 22 डिग्री इसका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा क्या लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए। तो देखिए सिद्ध कराना है, देखिए क्या सिद्ध करना है या दिखाना है या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या करना, देखिए लिखा है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, हल कैसे करेंगे, तो लिखते हैं हल। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, है ना, ये तीन कोण दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी के तीन कोण दे रखे हैं ये। अब देखिए इसमें हमको बी प्लस सी यहाँ चाहिए, ए को उधर चाहिए, तो हम यहाँ बी प्लस सी लिख कर 180 माइनस ए, इधर ए पक्षांतर कर देते हैं, बटे दो चाहिए तो दोनों पक्षों में दो से भाग कर देते हैं, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर, तो भाग कर लेते हैं b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2, तो यहाँ लिख लेंगे फिर b प्लस सी बटे 2 बराबर, इस 2 को दोनों पदों में डिवाइड कर लेते हैं, तो 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, है ना, लघुत्तम लेंगे तो फिर ये वापस आ जाएगा, ये आ गया 90 कट गया, तो ये हो गया b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ साइन चाहिए तो दोनों पदों में साइन लगा लेते हैं, साइन b प्लस सी बटे ये 2 हो गया बराबर साइन 90 माइनस ए बटे 2, है ना, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर, देखिए साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस और ए का मान क्या है ए बटे 2, तो देखिए ये सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर, अब एक 7 बचा है अंतिम है उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 में लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक ना, बोल रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लाइए, 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, का मान बदलना है के बीच में चाहिए, ठीक ना, यहाँ 67 लिखा है 75 लिखा है, 0 और 45 के बाहर है ये ज़्यादा है, तो के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए,
ठीक ना, ये अंतिम सवाल ही है तो इसको बदलते हैं। देखिए इसको लिख सकता है साइन 90 माइनस 67, 68, 69, 70, 80, 90, ये हो गया 23 लिख सकते हैं, है ना। 90 में 23 गया तो 67 आ जाएगा, तो 67, 23 ये 90, ठीक है 67 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस 75 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15, है ना, 75, 80, 90 15 आ गया, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए है, साइन 90 माइनस ए है तो कॉस ए लिखेंगे, लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या हुआ साइन ए, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच में ये दोनों आ गए, ठीक ना। और इसमें सूत्र कौन सा लगाए थे, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, ये लगाए थे हम, ठीक ना। तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।